जयशाह की कंपनी 500 करोड़ की हो गई 1.5 साल के अंदर, जरा जयशाह पॉलिटिशियन नहीं है सर। जयशाह की कंपनी कौन सा प्रोडक्शन करती है और कैसे वो इतनी 500 करोड़ की हो गई 1.5 साल के अंदर, जरा एक मिनट शेख साहब। धर्मवीर जी देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। अगर सवाल की आप उम्मीद मांगते हैं कि आपको जवाब मिले तो जवाब आपको भी तो देना चाहिए। आप 4,000 रुपए तनख्वाह पाने वाले आदमी ने खरीद के रखा है, कैसे 400 करोड़ रुपए? कोई दलित समाज का व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ा करके और संपत्ति खरीद क्या बात कर रहे हैं सर आप? धर्मवीर जी, 4,000 कमाने वाला व्यक्ति कैसे 4,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खड़ी कर सकता है, संपत्ति बना सकता है? आप बताइए सर, कैसे मुमकिन है? कैसे मुमकिन है सर? बिना कंपनी को जब्त कैसे कर दिया गया? प्रॉपर्टी को जब्त कैसे कर दिया गया? प्रॉपर्टी मुमकिन है? कैसे मुमकिन है सर? बिना कंपनी को जब्त कैसे कर दिया गया? प्रॉपर्टी को जब्त कैसे कर दिया गया? धर्मवीर जी जांच में ही पता चला है, वो प्रॉपर्टी जांच में ही निकल कर आई है कि 4,000 कमाने वाला व्यक्ति कैसे खड़ा कर सकता। योगी की मदार सरकार के बेमिसाल 2.5 साल, इसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। सीधे रुक करेंगे, तमाम खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, सीधे आपके पास आएंगे। देखिए, जिस तरीके की से लगातार हम ये बात बोल रहे हैं, आज का मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार पर है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो चाबुक यहां पर चला है, मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही आप देख लीजिए, अनुपमा जायसवाल जैसे तमाम बड़े दिग्गज जिनको इस्तीफा देना पड़ा, एक कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि हाँ पूरी तरीके से आपने खत्म कर दिया है, लेकिन एक शुरुआत आपने कर दी है, एक अच्छी शुरुआत है ये, जो कहीं ना कहीं ऐसे आगे बढ़ती रही तो कभी ना कभी वो समय भी आएगा जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं शुरुआत करूंगा, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कि अगर ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे तक यानी जनता तक 15 पैसे जो है पहुंचता है। इसका मतलब है कि 85% जो मनी था वो बीच के सिस्टम में ही खप जाता था और उसका काम, मतलब वो उससे काम नहीं होता था। ये भ्रष्टाचार की देन थी। मैं बोलता हूं, उपलब्धि बड़ी हो या छोटी हो, स्पेशली यूपी के लिए सरकार को साधुवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आया है। जो फैक्ट और फिगर आपने दिखाया है कि सरकार के कई डिपार्टमेंट अगर पहली बार ये लाभ में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना लाभ, मतलब जो है प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, प्रॉफिट को इंश्योर नहीं कर पा रही है, घाटे में जा रही है, जहां की प्योर प्रोफेशनल्स होते हैं और वो बिजनेस माइंडेड काम करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड उनकी सारी स्ट्रेटजी होती है। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती है, जनता की सेवा करना उनका पहला जो है लक्ष्य होता है। सवाल यह है कि मैं इन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहा था, खनन जैसा डिपार्टमेंट अगर वो सुधर गया है, काम अभी भी बहुत सारे करने हैं। हमारे भाई धर्मवीर जी जो बोल रहे थे सुरक्षा, न्याय व्यवस्था, इन सब के मामले में, इसके बारे में मैं एक चीज बोलूंगा और वो ये है कि यूपी में जहां 20-22 करोड़ की जनता है, उस हिसाब से पुलिस का या सुरक्षा व्यवस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं अवेलेबल है। सरकार को अभी बहुत काम करना है, इन्होंने शुरुआत की है, आप इसको ट्रायल मानिए, आप इसको टेस्ट मानिए, रिजल्ट बड़े उत्साहजनक है। हाँ, तेजी से अगर इसी तरीके से सारे डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रदेश का चहुमुखी विकास भी होगा और शांति और सुरक्षा भी हर जगह मिलेगी और सबकी भावना, सबको जो है, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। अब एक क्वेश्चन और है, मैं बोलता हूँ इसके पहले आप देख लीजिए यूपी गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट जो है उसमें रहे हैं, प्रॉफिट में रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाता, इवन रेल मिनिस्ट्री आप देखो कभी भी वो प्रॉफिट में नहीं जाता है। पिछली सरकारों में भी इक्का दुक्का ही आपको कोई रिपोर्ट मिल जाएगी पिछले 70 साल में, जबकि सरकार जो है फायदे में रही हो, ओवरऑल जो है प्रॉफिट में रही हो। या कोई एक विभाग देख लीजिए, चाहे आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पिछले 70 साल में उठा के देखिए
और देखिए कि सरकार के कौन कौन से डिपार्टमेंट कितनी बार वो प्रॉफिट में रहे हैं, प्रॉफिट में होते हुए भी भ्रष्टाचार की वो भेंट चढ़ जाते थे और वो डिपार्टमेंट घाटे में चले जाते थे। तो ये मानना पड़ेगा किसी भी रीजन से अगर ये प्रॉफिट में आए हैं तो मैं बोलूंगा कि इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन अभी ये ऊंट के मुंह में जीरा है, हमको आगे बहुत काम करना है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक शुरुआत है यहाँ पर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक आगाज यहाँ पर हो चुका है। कम से कम अच्छी बात यह है कि और सरकारों को कंपैरिजन एक शुरुआत तो यहाँ पर हुई। रोहित अग्रवाल जी, आपका पक्ष। अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि 70 साल में कभी कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट प्रॉफिटेबल ही नहीं रहा। मतलब मुझे इनके ज्ञान के ऊपर मैं मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि मतलब पिछले 70 साल में कोई भी सरकारी विभाग प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, लेकिन भारत की सरकार काफी विकास कर रही। खैर, अगर अभी योगी जी के आने के बाद अगर भाजपा की सरकार बनने के बाद 2.5 साल में हो गया है, आप मेरे अरे सुन लीजिए मिश्रा जी, आपको बहुत सुन लिया हमने, भाजपा ज्वाइन करके आगे प्रवक्ता का प्रवक्ता बनिए। नहीं, जा सुन लीजिए, पहले हमें सुन लीजिए, मैंने बड़े धैर्य से आपको सुना है, जिस पार्टी के हैं आप सुनिए, अगर आपको जो आप बोल रहे हैं ना, एक मिनट मिश्रा जी प्लीज, अपनी जमीन मिश्रा जी प्लीज, रिक्वेस्ट है सर, रिक्वेस्ट है सर, होता तो ये चीज नहीं होते। अभी तक झूठ बोल रहे थे तो आपको शर्म नहीं आ रही थी। रोहित जी एक मिनट, आप थोड़ा शब्दों का ख्याल रखें। रोहित जी आप शब्दों का ख्याल रखें, बोले एक मिनट मिश्रा जी, रोहित जी आप शब्दों का ख्याल रखकर बोलिए सर, किसी के ज्ञान पर सवाल उठाने वाले आप कोई नहीं होते, क्या आप किसी के ज्ञान पर सवाल उठाएंगे? पहले तो आप कंट्रोल में रहकर बोले मिश्रा साहब, एक मिनट सर प्लीज, ब्रेक लेना है मुझे। रोहित जी मैं आऊंगी आपके पास में, लेकिन किसी के ज्ञान पर सवाल उठाना और किसी की बात पर सवाल उठाने वाले हम और आप कोई नहीं होते सर, और कौन भाजपा का प्रवक्ता है कौन नहीं है ये बात भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। चलिए आप सभी खास मेहमान बने रहिए हमारे साथ, रुकेंगे सुनने के लिए, कहीं मत जाइए। देखिए सृष्टि, हम कब नहीं कार्रवाई होती है वो करना भी चाहिए, कि इस देश में यदि भ्रष्टाचार को निपटाना है, उसको समाप्त करना है, तो हमको आवश्यकता है राजनीतिक सुचिता की, और राजनीति में हमको सफाई करनी होगी। अब जब कोई नेता सफाई करता है तो विपक्षी दल, देखिए आपका और हमारा वैचारिक का मतभेद होना ठीक है, लेकिन अच्छी चीज का आपको समर्थन करना चाहिए। मैं चाहता तो मैं इस बात को वहां से भी आरंभ कर सकता था कि स्मरण करें कि 4 टुकड़े आप लोगों ने कर रखे थे उत्तर प्रदेश के, कि परिवार का कौन सदस्य कहां पर उसका चलेगी, इसके आगे समझ जाइए। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ कभी किसी के नाम लेकर, आपको यादव सिंह भी याद है, हम सबको याद है यादव सिंह, यादव सिंह का काम किस प्रकार से चल रहा था। जयशाह की कंपनी 500 करोड़ की हो गई 1.5 साल के अंदर, जरा जयशाह पॉलिटिशियन नहीं है सर, जयशाह की कंपनी कौन सा प्रोडक्शन करती है और कैसे वो इतनी 500 करोड़ की हो गई 1.5 साल के अंदर, जरा एक मिनट। शेख साहब, धर्मवीर जी देखिए, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, अगर सवाल आप उम्मीद मांगते हैं कि आपको जवाब मिले तो जवाब आपको भी तो देना चाहिए। आप 4,000 रुपए तनख्वाह पाने वाले आदमी ने खरीद के रखा है, कैसे दलित समाज का व्यक्ति अपने व्यापार को बढ़ा करके और संपत्ति खरीद क्या बात कर रहे हैं सर आप? धर्मवीर जी, 4,000 कमाने वाला व्यक्ति कैसे 4,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खड़ी कर सकता है, संपत्ति बना सकता है? आप बताइए सर, कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है सर? तो जब्त कैसे कर लिया गया प्रॉपर्टी को, जब्त कैसे कर लिया गया प्रॉपर्टी, जांच हो गई सर, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया, जब्त कर लिया गया प्रॉपर्टी को सर? धर्मवीर जी जांच में ही पता चला है, वो प्रॉपर्टी जांच में ही निकल कर आई है कि 4,000 कमाने वाला व्यक्ति कैसे खड़ा कर सकता। क्या बात कर रहे हैं सर आप? एक मिश्रा जी जल्दी से अपना, गंगा जी साहब मुझे तो बता दीजिए। देखिए सृष्टि, सवाल ये है, जो आपने खबर चलाई थी कि भाई, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि यूपी स्टेट गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा है। एक बार फिर से सुनिए, मैं एब्सोल्यूट थैंक्स नहीं बोलता हूं कि सब कुछ सही हो गया, बिल्कुल, लेकिन ऐसी खबरें अगर आ रही हैं, हमें बहुत काम करना है। सरकार किसी की भी हो, अगर इस दिशा में ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं तो वो उत्साहवर्धक रिजल्ट है, और इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट। चैलेंजेस अभी बहुत है, सारी सरकारों में भी थे, अभी भी है, सिस्टम को काबू में करना, सिस्टम को एक ढर्रे पे ले आना, ये बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में है। सिस्टम में पुरानी मानसिकता के ही लोग तो भरे पड़े हैं, एक बार जिसकी नौकरी लग जाती है वो 60 साल के लिए पक्का है।
मानसिकता को बदलना, व्यवहार को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन किसी भी सरकार में अगर ऐसी खबर आ रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए कि डिपार्टमेंट प्रॉफिट में जा रहा है, उसके बाद अगर अराजकता कम हो रही है। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा था? केवल मिश्रा जी ये बता दीजिए कि गृह राज्य मंत्री जो बलात्कारी बाबा स्वामी चिदानंद है वो जेल के सलाखों के पीछे कब जाएगा? सर, सात घंटे की पूछताछ हुई है, सात घंटे की पूछताछ हुई है किसान को, सात घंटे की अपनी बुकी का लगान नहीं देता तो तहसीलदार उसको जेल भेजने का काम करता है। सुनिए, आप जो है उसको बता रहा हूँ, सुनिए, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो या बसपा हो, सुनिए ये प्रॉब्लम कहाँ की है। बयासी केस सुन लीजिए ना, सरकार कवर अप करके जेल भेजेगी, सुन लीजिए ना, पूरी इंतजार करिए, इंतजार करिए, धर्मवीर जी इंतजार करिए, प्रोसीजर होता है, आप ऐसे उठाकर जेल में डाल देंगे तो आप कहेंगे सर, तो आप कहेंगे कि तानाशाही चल रही है, आप ऐसे ही किसी को भी जेल में भेज देते हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था, आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने